भेजता है सर्वर को यूजिंग नेटवर्क, और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को. क्लाइंट कौन है? विच इज अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट टू फॉर द रिसोर्सेज टू द सर्वर, राइट. और सर्वर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, राइट. ओके, फिर हमने देखा था व्हाट इज सर्वर. सर्वर में बेसिकली पांच कंपोनेंट होते हैं. सीपीयू, इट इज फॉर द प्रोसेसिंग, राइट. यू गिविंग, जैसे आप क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए हम सीपीयू यूज करते हैं. मेमोरी के लिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और स्टोरेज के लिए हम डेटा स्टोरेज के लिए स्टोरेज, और डेटाबेस, जो स्टोरेज डेटा है उसको एक स्ट्रक्चर वे में सेव करने के लिए हम डेटाबेस यूज करते हैं. और नेटवर्किंग, नेटवर्क के लिए राउटर, स्विच, डीएनएस सर्वर, उस सर्वर में हम यूज करते हैं. देन लास्ट डे हमने आईटी कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी, जैसे नेटवर्क. नेटवर्क इज द केबल, वायर, वायरलेस डिवाइस और वायरलेस वाइड, जो सर्वर राउटर या क्लाइंट टू सर्वर एक दूसरे को कनेक्ट करता है. ओके, राउटर क्या करता है? राउटर जो भी मैसेज है, जो भी डेटा है, पैकेट फॉर्मेट में वो कंप्यूटर नेटवर्क में फॉरवर्ड करता है. ओके, और स्विच, वो पैकेट करेक्ट सेंडर या सर्वर या क्लाइंट को वो करेक्ट सेंड हुए या नहीं, ये टेक केयर करता है. और स्विच राउटर को हमेशा कनेक्टेड होता है. ओके, जैसा देखा था हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसा हमने कल देखा था, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. डेटा सेंटर में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिससे हम क्लाउड कंप्यूटिंग या हमारा डेटा या एप्लीकेशन जहाँ रन हो सकता है, राइट. इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर. और डेटा सेंटर क्या होता है? सेट ऑफ, लाइक सेट ऑफ सर्वर्स, राइट. ओके, हमने भी देखा था कि क्या क्या होता है सेट, और ट्रेडिशनल के साथ प्रॉब्लम क्या क्या होता है, राइट. रेंट, जो भी प्लेस हमने ओन किया है उसका रेंट. ओके, उसके बाद में पावर सप्लाई, कूलिंग, मेंटेनेंस, और उसको स्केल करना लिमिटेड होता है. 24/7 टीम मॉनिटरिंग के लिए वहाँ होनी चाहिए. और हमको नेचुरल डिजास्टर से भी, या जो भी डिजास्टर है उससे भी हमें डील करना पड़ सकता है अगर हम खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करते हैं. ओके, एग्जाम्पल देखा था. और देन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ऑन डिमांड सर्विस. जितना आपको कंप्यूटिंग पावर फॉर, लाइक आपके जैसे लैपटॉप में प्रोसेसर होता है, राइट. इट इज लाइक अ कंप्यूटिंग पावर जो आप यूज करते हो. कंप्यूटिंग पावर, डेटा, डेटा स्टोरेज, आपका जो डेटा है वो स्टोरेज करने के लिए, एप्लीकेशंस और नेटवर्किंग और अदर आईटी रिसोर्सेस, हम क्लाउड कंप्यूटिंग से ऑन डिमांड हमको जब चाहिए हम यूज कर सकते हैं. और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जितना हम यूज करते हैं उतना ही हमको पे करना पड़ता है. जैसा पे एज यू गो, मीन्स आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है. देन प्रोविजनिंग, आपको करेक्ट जितना ही चाहिए, जितना चाहिए उतना आप प्रोविजनिंग कर सकते हो. जितने टाइम के लिए चाहिए उतने टाइम के लिए आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वर्चुअल मशीन चाहिए 1 मंथ के लिए, तो आपको 1 मंथ के लिए उसको पे करना पड़ेगा. देन यू कैन जस्ट डिकमीशन दैट वर्चुअल मशीन. आप उसको डिकमीशन, मतलब उसको शट डाउन कर दो और डिलीट कर दीजिए, तो आपको उसके बाद कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं. कोई हार्डवेयर के लिए आपको पेमेंट नहीं करना होगा, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं. और इजीली ऑलमोस्ट सम सेकेंड में आपको कोई भी रिसोर्सेस एक्सेस के लिए मिल सकता है, इन सम मिनट. और क्लाउड कंप्यूटिंग ही सबसे इजी वे है जिससे आप सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, एप्लीकेशन सर्विस एक्सेसेबल कर सकते हो. ओके, ये कुछ एग्जाम्पल थे, जैसा जीमेल, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स. और जैसे हमने तीन फोर टाइप ऑफ क्लाउड देखे थे, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड. पब्लिक क्लाउड क्या होता है? इट इज यूज ओनली फॉर द लिमिटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज कर सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट कंट्रोल होता है. और बेसिकली ये ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. ऑन प्रीमाइसेस मतलब वो कंपनी का खुद का डेटा सेंटर होता है, और वो वहीं से डेटा, उस डेटा सेंटर से ही उनका एप्लीकेशन रन होता है. और ये किस केस में यूज होता है? जब आपका डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल हो, डेटा कॉन्फिडेंशियल हो, फाइनेंशियल डेटा, गवर्नमेंट डेटा, या सिक्योरिटी सेंसिटिव जो भी एप्लीकेशन होते हैं उस केस में होते हैं. इस केस में हम प्राइवेट क्लाउड यूज कर सकते हैं. ओके, पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड मतलब जो जो भी क्लाउड रिसोर्सेस है
वो कोई थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ओन करता है ओवर द इंटरनेट. ओके, और इसमें जैसे अज्यूर हुआ, गूगल क्लाउड हुआ, AWS हुआ, ये बड़े कम ब्रांड्स है जो पब्लिक क्लाउड अवेल कर सकते हैं. और कस्टमर को ना हार्डवेयर का कोई मेंटेनेंस की जरूरत है, ना डीसी मैनेजमेंट की कोई जरूरत है. और इस पब्लिक क्लाउड में ये होता है कि आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी रिसोर्सेज यूज करते हो, उस उतना ही आपको पे करना पड़ता है. ओके, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? जैसा हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड. ये क्या होता है? कुछ आपका जो भी कोड होता है, जैसे फ्रंट एंड का जो भी डेवलपर का या बिजनेस आपके स्टार्टअप का जो भी फ्रंट एंड होगा, वेबसाइट का फ्रंट एंड होगा, एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होगा, वो पब्लिक क्लाउड पे रन करती है कंपनियां. और जो भी कॉम्प्लेक्स लाइक बैक एंड हुआ, डेटाबेस हुआ, उनका जितना भी क्रिटिकल डेटा होता है, वो उनके ऑन प्रीमाइस मतलब खुद का डेटा सेंटर वो कंपनी ओन करती है और वहां पे वो डेटा स्टोर करती है. और इसमें क्या होता है, इसमें बेनिफिट होता है, जैसा पब्लिक क्लाउड फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब आपको जितना पे आप जितना यूज कर रहे हो उतना ही पे करना है. और जितना भी आपका सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव एसेट है, वो आपके प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज कर सकते हो. इसका यूज केस क्या हो सकता है? जैसा बैंक हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हुई, राइट. देन कम्युनिटी क्लाउड. कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? कम्युनिटी क्लाउड होता है कि तीन चार ऑर्गेनाइजेशन, तीन चार स्टार्टअप साथ में आते हैं और खुद का एक प्राइवेट क्लाउड वो ओन करते हैं. बेसिकली उनको वो जो चार पांच कंपनियां, चार पांच ऑर्गेनाइजेशन ये होते हैं, उनको ही वो ओन करना पड़ता है, उनको ही वो मैनेज करना पड़ता है, उनको ही वो ऑपरेट करना पड़ता है. और बेसिकली ये इट्स लाइक थर्ड पार्टी क्लाउड. ओके, इट इज ये बेसिकली सम कॉज के लिए साथ में आते हैं, या फिर उनको कोई पब्लिक क्लाउड में मेंटेन्स करना होगा, या उनका कोई ऐसा वर्क है कि तीनों तीन चार ऑर्गेनाइजेशन को साथ में करना है, देन वो कम्युनिटी क्लाउड खुद का बिल्ड करते हैं. देन मल्टी क्लाउड. मल्टी क्लाउड क्या होता है कि तीन चार पब्लिक क्लाउड जो भी है, एक से ज्यादा या वन और मोर देन वन जो पब्लिक क्लाउड होते हैं, वो सभी एक ही प्रोजेक्ट में एक ही एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं. जैसे सम सर्विसेज, कुछ सर्विसेज हम गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं, कुछ सर्विसेज हम माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे करते हैं, और कुछ सर्विसेज हम अजूर वेब वेब सर्विसेज पे करते हैं. तो ऐसे हम डिफरेंट मोर देन वन जब पब्लिक क्लाउड हम यूज करते हैं, इसको हम मल्टी मल्टी क्लाउड बोलते हैं. ओके, और बेसिकली ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन करती है अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो तो. ओके, क्लाउड के एडवांटेज हमने पढ़े थे कल. पे एज यू गो, मतलब जितना यूज करते हैं उतना, लो कॉस्ट, बिकॉज हमको कोई रेंट नहीं देना है, कोई 24/7 ह्यूमन वहाँ पे मतलब हायर नहीं करना है, लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, SRE, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, हमको वहाँ ये नहीं करना है. देन स्केलेबिलिटी फास्ट है, हमको कोई हार्डवेयर ऐड और मतलब ऐड और रिमूव नहीं करना है. तो स्केलेबिलिटी बढ़ाना और कम करना, स्केल अप एंड स्केल डाउन इजी है. एंड अवेलेबिलिटी 24/7 है. और जैसा भी आप गो इन ग्लोबल इन मिनट, मीन्स आप जस्ट इन सम मिनट्स आप कोई भी सर्विसेज या रिसोर्स एक्सेस कर सकते हो यूजिंग क्लाउड क्लाउड. ओके, रिलायबल है, 100% रिलायबल इज 24/7 अवेलेबल. सिक्योरिटी इज 100% सिक्योर. अनलिमिटेड स्टोरेज, यू कैन एक्सेस रिसोर्स और सर्विस वॉट एवर साइज यू वॉन्ट. ओके, एंड बैकअप, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डिजास्टर, पावर और ह्यूमन रिसोर्स. ओके, इट्स ऑल टेक केयर बाय सम क्लाउड प्रोवाइडर. ओके, देन वी फिर हमने देखा था कि क्लाउड कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. ओके, बेसिकली क्लाउड फ्लेक्सिबल है, जिससे हम जो रिसोर्स का टाइप है वो इजीली चेंज कर सकते हैं. जैसा अभी आपने सुना होगा, जो अमेजोन वीडियो है, अमेजोन प्राइम है, बेसिकली पहले वो सर्वरलेस सर्विसेज था, तो वो उसको लैमड़ा यूज करते थे वो लोग. उसके लिए AWS में लैमड़ा करके सर्विस होता है, वो यूज कर सकते थे. लेकिन सडनली वो अभी EC2 इंस्टेंस पे मूव हुए हैं, तो फ्लेक्सिबल है, यू कैन चेंज द रिसोर्स टाइप इजीली. ओके, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आपने जितना यूज किया है, आपने अगर आपको आपको जैसा वीकेंड में ज्यादा ज्यादा यूजर आपके एप्लीकेशन पे आते हैं तो आप स्केल अप कर सकते हैं, और वीकडेज में कम आते हैं तो आप स्केल डाउन कर सकते हैं.
तो आप जितना यूज कर रहे हो उतना ही आपको पे करना है, इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, स्केलेबल है, मतलब इजीली आप ऐड कर सकते हो नोट्स और इजीली रिमूव भी कर सकते हो, तो स्केलेबल भी इजीली है, इलास्टिक मतलब इजीली एबिलिटी है उसकी स्केल इन स्केल आउट की, ओके, इस इज इलास्टिसिटी, हाई एबिलिटी एंड फॉल टॉलरेंस, मतलब जो भी आप बिल्ड करते हो वो अक्रॉस द डेटा सेंटर में अवेलेबल होता है, इट्स लाइक वो डेटा वो रिप्लीकेट करता है, जैसा मुंबई का अगर सर्वर बंद होता है तो आप डेटा वो डेटा सेम हैदराबाद या किसी चाइना और जापान के डेटा सेंटर पे भी अवेलेबल होता है, तो वो आपको अवेलेबल रहता है। और अजाइलिटी मतलब आप बस रैपिडली डेवलप करिए, टेस्ट करिए और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो, रैपिडली आप उसको चेंज कर सकते हो, रैपिडली उसको अपडेट कर सकते हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि मैं अभी इस हार्डवेयर ऐड करूंगा, अभी सॉफ्टवेयर ऐड करूंगा, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज ऐड करूंगा, देन मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्लाउड ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने देखा कि टॉप 10 क्लाउड प्रोवाइडर है AWS, अज्यूर, गूगल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, सेल्फोर्स, डेल, IBM, डिजिटल ओशियन, एडोब एंड ड्रॉपबॉक्स, ओके। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द क्लाउड सर्विसेज मॉडल। बेसिकली ये क्या होता है, किसी को पता था इसके पहले व्हाट इज द क्लाउड सर्विसेज मॉडल? एनीबडी नो? ओके, नो सर, ओके। बेसिकली थ्री टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज मॉडल होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। और जैसा आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल, राइट, उसमें इसको हम हार्डवेयर एज अ सर्विस मॉडल भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो भी यूजर है उसको उसके कॉस्ट जो भी कॉस्ट है कि उसका फिजिकल सर्वर्स परचेज नहीं करना है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ऑन प्रीमाइसेस मतलब आपको एप्लीकेशंस की भी टेक केयर करना है, डेटा का भी, रन टाइम, मिडलवेयर, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। ऑन प्रीमाइस पे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्टेप्स, ओके, एप्लीकेशंस भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटा भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रन टाइम भी आपकी, एप्लीकेशन रन हो रहा है या नहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडलवेयर भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में, ये एप्लीकेशन के बीच में ये होता है तो इसके भी जिम्मेदारी आपकी है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज फॉर डेटा स्टोरिंग, नेटवर्किंग फॉर लाइक राउटर, DNS, स्विचेस, ओके, इस ऑल आर रिस्पॉन्सिबल यूअर, अगर आपका ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। फिर क्या उसमें टाइप क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मीन्स यू डोंट नीड टू वरी अबाउट वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, मीन्स इसका इसका ये जो चार, वर्चुअलाइजेशन हुआ, सर्वर्स हुआ, स्टोरेज हुआ, नेटवर्किंग हुआ, ये मैनेज बाय किसी थर्ड पार्टी के तरफ से वो उसको मैनेज किया जाता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर एप्लीकेशन, डेटा लेयर, रन टाइम, मिडलवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है जिसमें आप ओनली रिस्पॉन्सिबल होते हो एप्लीकेशन और डेटा के लिए, जनरली ये यूज होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए, जनरली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज होता है डेवलपर के लिए, बेसिकली एप्लीकेशन का वो कोड करता है, उसको टेस्ट करता है, उसको रन करता है, और सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म यूज होता है एंड यूजर लाइक अस, कि जिसको मतलब ये सब चीजें एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये किसी थर्ड पार्टी कंपनी से मैनेज होता है, आपको कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का ये नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती है, जस्ट यू नीड टू यूज फॉर योर बिजनेस पर्पजेज, ओके। लाइक आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को हम हार्डवेयर एज अ सर्विस भी बोलते हैं, ओके। और बेसिकली जो भी कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इंटरनेट के थ्रू मैनेज होता है, और इट इज अ इजी पैरेलल ऑफ ट्रेडिशनल ऑन प्रीमाइस IT, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। बेसिकली ये पैरेलल हो जाता है, जो ऑन प्रीमाइस आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एक पैरेलल हो गया, उसके बाद में ये बहुत हाई लेवल फ्लेक्सिबल है, ओके,
और आपको ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है, डेटा स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर्स लाइक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद आप जीयूआई है, जीयूआई मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस या एपीआई बेस एक्सेस भी कर सकते हो। और इसका बेटर एग्जांपल के लिए मैं बता सकता हूँ, AWS हुआ, सा माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर हुआ, गूगल कंप्यूट इंजन हुआ, रैक स्पेस हुआ, देन डिजिटल ओशन हुआ, ये इसके एग्जांपल है। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, बेसिकली ये डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस के लिए, इसको मैनेजमेंट के लिए इसको फोकस करते हैं। बेसिकली इसको डेवलपर, जो प्रोग्रामर है और डेवलपर है, उसके लिए डिजाइन होता है कि ताकि वो डेवलप, देन टेस्ट, और टेस्ट करने के बाद उसको रन और उसको मैनेज कर सके। एप्लीकेशन को पहले वो डेवलप करेगा डेवलपर, देन उसको टेस्ट करेगा, देन रन करेगा, एंड देन मैनेज करेगा। उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब आपके, मतलब ये मैनेज बाय थर्ड पार्टी, राइट। प्रीवियसली हम इस डिजाइन में देख सके, ओनली आपको एप्लीकेशन एंड डेटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, अदर जितने भी लेयर्स है वो मैनेज बाय अदर्स होती है। ओके, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेसिकली इट इज यूज बाय ऑन डिमांड सर्विस, ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर, राइट। इट अपन इसको बोल सकते हैं ऑन डिमांड, राइट। इट्स कम्प्लीटली रन बाय एंड मैनेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि जो भी यूजर को कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उस किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो ओनली क्या करता है, जो जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशन है, वो इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकता है, और जो भी एप्लीकेशन है वो क्लाउड प्रोवाइडर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो उसको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हुआ सेलफोर्स हुआ, दिस इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल, कि आपको बस सेलफोर्स की सर्विसेज यूज करने को मिलती है, राइट। अगर किसी ने सेलफोर्स यूज किया, ड्रॉपबॉक्स हुआ, आपको कोई हार्डवेयर का ये नहीं करना है, जस्ट यू एक्सेस द सर्विसेज, यू डोंट नीड अबाउट कोड, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसा जूम हुआ, ओके, गूगल ऐप हुआ, जैसा जीमेल हुआ, ओके, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑन प्रीमाइस। यू गेट द आइडिया व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। AWS वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, या राइट राइट सतीश, एवरीवन गेट द आइडिया प्लीज। ओके, मूव फॉरवर्ड, यस, ओके, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू पूजा। ओके, एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जैसा मैंने आपको बोला कि जो अमेज़न का EC2 इंस्टेंस है AWS पे, वो डिजिटल ओशियन हुआ, रैकस्पेस हुआ, अज्यूर हुआ, GCP हुआ, मतलब बेसिकली क्या है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे सर्वर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, डेटा कितना स्टोर होगा, नेटवर्किंग लाइक DNS सर्वर, मेल सर्वर, और भी मतलब स्विचेस, राउटर, इसका कोई आपको मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं। देन वर्चुअलाइजेशन भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, OS, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन। दिस इज द बिगेस्ट अल्टरनेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इलास्टिक बीन फ्रॉम AWS, इलास्टिक बीन इज अ AWS सर्विसेज विच इज यूज फॉर रन द डॉट नेट अप्लीकेशन। ओके, देन हिरुकू, गूगल ऐप इंजिन लाइक GCP, ओके, वर्चुअल मशीन, विंडोज अज्योर लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ओके, दोज आर द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। सो यू यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू यू ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एप्लीकेशन एंड डेटा लेयर, मीन्स डेवलपर ओनली डेवलप द कोड, टेस्ट द कोड, रन द कोड एंड डिप्लॉय, मैनेज द कोड। ओके, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब बेसिकली AWS की बहुत सारी सर्विसेज, जैसा रिकॉग्निशन फॉर मशीन लर्निंग, जैसा आप जूम यूज करते होंगे, जैसा गूगल मीट भी हुआ, गूगल ऐप का गूगल मीट, ये भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, जहाँ आपको कोई कोड का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है, डेटाबेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है, कोई वर्चुअलाइजेशन का, किसी सर्वर का, नेटवर्किंग का आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू केम, यू लॉग इन एंड यूज द सर्विसेज एंड पे फॉर ओनली फॉर द सर्विसेज। जितना आप यूज आ रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, और जितना आप यूज कर रहे हो, आप उतने ही चीज के लिए पे कर रहे हो। और बिगेस्ट एग्जाम्पल इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज सेल्सफोर्स। ओके,
mostly use word mostly use CRM. Okay, got the idea everyone? Getting example of IIS, PWS and all. Getting idea, any question about infrastructure as a service, platform as a service, or software as a service? Anyone? I think no. Okay. Getting sir. Okay. Thank you. We move forward. Basically, we see here ki pricing of cloud. Aap bol rahe ho pay as you go ho. गो मॉडल यूज करता है राइट AWS या कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म फंडामेंटली थ्री चीज के लिए प्राइस मॉडल यूज रहता है और आप ये बोल रहे हो पे एज यू गो मतलब आप जो यूज करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा लेकिन क्या चीज आप यूज करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा लाइक कंप्यूट पावर मीन्स when you request या जो भी प्रोसेस है उसको प्रोसेस करने के लिए लाइक आपके मैंने जैसे आपको बोला आपके सीपीयू आपके लैपटॉप में एक प्रोसेसर होता है i5 i7 i9 i3 तो जो उस सीपीयू का पावर होता है लाइक इट इज फॉर द पर्सनल यूजेस राइट और सर्वर पे हजारों लाखों रिक्वेस्ट वन टाइम आती है राइट एक ही टाइम पे लाखों लोग एक ही बात सर्च करेंगे राइट तो उसके लिए उसका कंप्यूट पावर भी ज्यादा होना चाहिए तो आपको बस जितना आपने कंप्यूट पावर यूज कर रहे हो आपको उतना ही पे करना है पे फॉर ओनली कंप्यूट टाइमिंग मींस इट इज कैलकुलेटेड बाय टाइम इफ यू फॉर एग्जांपल यू लॉन्च अ सर्वर एट 100 GB विच हैव 100 GB कंप्यूट पावर ओके सो यू नीड टू पे फॉर ओनली 100 GB एंड व्हाट यू यूज फॉर वन मंथ सो यू नीड टू pay for only 1 month okay no need to pay more than 1 month if you delete that server then you don't need to pay okay storage why we use storage store the data company ka aur abhi usko AWS pe move karna hai right to generally jab azure se aap AWS pe move karoge तो आपको अजूर को डेटा ट्रांसफर करने के लिए पे करना पड़ता है और जनरली सभी कंपनियां जैसा आप AWS में डेटा मूव करोगे तो वो डेटा ट्रांसफर जो भी होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ओके दोज आर द थ्री कंपोनेंट कि आपको प्राइस किस किस चीज के लिए देना पड़ेगा क्लाउड प्रोवाइडर को कंप्यूट पावर के लिए स्टोरेज फॉर डेटा स्टोरेज ओके एंड डेटा आउट जब आप किसी एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में या ऑन प्रीमाइस से क्लाउड प्रोवाइडर लाइक आपका किसी ऑन प्रीमाइस पे सर्वर था और आपको अभी AWS पे मूव आउट होना है तो इस केस में आपको पेमेंट करना होता है गेटिंग किस तीन चीज के लिए आपको पेमेंट करना होता है गॉट द आइडिया एवरीवन ओके एनी ओके थैंक यू कंप्यूट बेसिकली इट इज यूज फॉर द कंप्यूट पावर वेयर यू प्रोसेस द रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बोला कि आपने किसी चीज की रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस जो करता है जो भी प्रोसेस होती है वो कंप्यूट मतलब सीपीयू पे होती है और रैम it is basically compute power storage for like data storage or jitna bhi data aap transfer out karte ho cloud se one cloud to another cloud jaisa aws se aap azure oracle ya digital ocean aap jis bhi cloud mein move on karte ho then aapko ye karta hai aur ye solve karta hai jitne bhi expensive issue hai traditional it mein jaisa maine aapko bola hai aapko rent ke paise dena hai theek hai और यू रिसोर्सेस 24/7 आपको रिसोर्सेस अवेलेबल रखना है राइट देन आपको पावर का भी आपको टेक केयर करना है राइट तो आपको हर चीज को जितना भी एक्सपेंसिव चीजें है आपको जितना बैकअप है उसका एक ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव क्लाउड है ओके और अब हम जंप करें व्हाट इज AWS ओके
अब तक के जितना मैंने बताया वो सबको समझा राइट? कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। ओके थैंक यू। ओके AWS जितना मतलब इंडस्ट्री में इट्स कॉल्ड बिग बॉस, ओके, बिकॉज ही हैज मोस्टली यूज कंपनीज, इट्स कॉल्ड बिग बॉस। ओके AWS बेसिकली लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर, नथिंग बट इट इज अ थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर। ओके इट इज अ पब्लिक क्लाउड राइट? वी सी लास्ट लास्ट डे पब्लिक क्लाउड, AWS इज अ पब्लिक क्लाउड, anyone can use from anywhere, it is a location independent and it is a leading cloud provider, or jitne bhi servers aur services hain wo on demand jab aapko chahiye aapke choice se jitna chahiye aap easily usko provisioning kar sakte ho, aur scalable easily matlab scale easily matlab aapko kisi EC2 instance ki size badhana hai right, EC2 instance ki size badhana hai to aap easily usko बढ़ा सकते हो, और इट प्रोवाइड मोर देन 200 सर्विसेज, AWS प्रोवाइड 200 से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। AWS क्या है? इट इज अ लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर, ओके, और वो क्या करता है, जितने भी सर्वर्स और सर्विसेज है वो ऑन डिमांड आपके चॉइस से आपको जितनी साइज का जितने जितने टाइम के लिए चाहिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो, और आपका जो स्केल है वो बहुत ईजी है, ओके, और इट इज अ रिलायबल 100% सिक्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव रिलायबल है, सिक्योर है 100% एंड कॉस्ट इफेक्टिव, यू डोंट नीड टू प्रे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर यू ओन इट इज ओन बाय AWS, बस आप क्या कर रहे हो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे ले रहे हो कुछ टाइम के लिए, जब जब तक आप सर्विस यूज करेंगे उतने टाइम के लिए आपको पे एज यू गो मॉडल से पे करना होगा, और अगर आपका यूज हो गया आप उसको डिकमीशन कर दीजिए, मींस डिलीट कर दीजिए, इन सिंपल वर्ड उसको खत्म कर दीजिए, उस सर्विस का सर्विस को या सर्वर को डिलीट कर दीजिए, देन आपको उसके बाद कोई पेमेंट नहीं करना है। और AWS ने मतलब जैसा मैंने बोला मोस्टली मार्केट शेयर AWS का है, तो IT वर्ड को अभी लोग पागल हो गए हैं कि ऑन प्रेम टू सबको AWS पे मूव होना है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबल है एंड सिक्योर है, ओके। और सम एग्जांपल लाइक amazon.com, इट इज वर्ल्ड वाइड ई-कॉम वेबसाइट, Netflix इज अ वर्ल्ड वाइड यूज, कितने सारे यूजर है राइट, और ये वर्ल्ड वाइड ई-कॉम वेबसाइट है, ये वर्ल्ड वाइड वीडियो प्रोवाइडर वेबसाइट है जो आज भी AWS से रन होती है, मतलब AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर उस वो कंपनीज यूज करते हैं, ओके। AWS की हिस्ट्री बेसिकली, AWS पहले 2002 में इंटरनली लॉन्च हुआ था ओनली फॉर Amazon, ओके, 2003 में Amazon का जो भी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था ओन बाय Amazon, तो वो उनका कोर स्ट्रेंथ था, तो उन्होंने पब्लिकली उसको लॉन्च किया था 2004 में विथ SAQs, यस मतलब सिंपल क्यू सर्विस, इट इज AWS सर्विस, ये लॉन्च किया था पब्लिकली, देन 2006 में उसे फिर से लीड लॉन्च किया था पब्लिकली, SAQ, S3 बकेट, EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस इज बेसिकली वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन क्या होता है, वर्चुअल मशीन इज अ सिंपल ऑफ पोर्ट्रे ऑफ योर कंप्यूटर, इज सिंपली वर्चुअल डिजिटल वर्जन ऑफ योर कंप्यूटर, फिजिकल कंप्यूटर, ओके, और S3 बकेट इट इज अ सिंपली अनलिमिटेड स्टोरेज विच इज प्रोवाइड बाय AWS, ओके S3, एंड सिंपल क्यू सर्विस इट इज वो 2006 में फिर से रिलॉन्च की थी, देन 2007 में उसको यूरोप में भी लॉन्च किया था, और आज बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक Airbnb, NASA, Netflix, Dropbox और बड़ी बड़ी लाइक Accenture, Infosys, TCS, ये सब कंपनीज अभी AWS को यूज करती है, ओके। सम AWS नंबर फैक्ट, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि बिग बॉस क्यों कहते हैं, 34% AWS का मार्केट है, टोटली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का रेवेन्यू 2023 में 217 बिलियन था राइट, 217 बिलियन था राइट, 270 बिलियन डॉलर उसका रेवेन्यू था, ओके, विच इज मोस्टली ओन बाय
AWS 34%, ओके. देन सेकेंड वन इज अजूर, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ओके. थर्ड वन इज गूगल क्लाउड 11%, अलीबाबा हैव अ 5%, बस 5% शेयर है अभी, बाकी तो सेल्फोर्स 3%, इट इज अ प्राइवेट क्लाउड, ये सिर्फ सेल्फोर्स की सर्विसेज के लिए यूज होता है. ओरेकल अभी नया नया है तो इसको भी वो टाइम लगेगा, राइट. सो बेसिकली AWS का जितना भी एनुअल रेवेन्यू 2022 में 80 बिलियन डॉलर्स था, ओके. 80 बिलियन डॉलर ओनली AWS, और करंटली मोर देन 1 मिलियन एक्टिव यूजर AWS यूज करते हैं, ओके. और कंटिन्यूअस 13 ईयर से, वाई यू लर्न AWS, बिकॉज कंटिन्यूअस 30 कंसिस्टेंट ईयर से वो लीडर है, 13 ईयर 13 साल से वो कंसिस्टेंटली नंबर वन है इस क्लाउड इंडस्ट्री का, ओके. और फिर आज भी 2023 की रिपोर्ट है स्टैटिस्टिका का, सितंबर 2020, जिसमें 32% ओन बाय AWS, ओके. ये कुछ AWS की क्लाउड की यूज केसेस हैं. जैसा मैंने बोला कि AWS क्या करता है, बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आप आपका सर्वर को बिल्ड कर सक सकते हो, और आपके जो भी सर्वर पे एप्लीकेशन रन हो रहा है, ओके. एप्लीकेशन के लिए रन होने के लिए क्या चाहिए होगा, बेसिकली हमको एक सर्वर चाहिए होगा, ओके. और जैसे ही हमारा एप्लीकेशन का मतलब यूजर इंटरफेस यूजर बढ़ता होगा, तो हमको और सर्वर लगेंगे, तो उसके लिए आपको स्केल अप और स्केल डाउन के लिए इसके AWS इज अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म है, मतलब सबसे बेटर प्लेटफॉर्म AWS है, ओके. और डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब नॉट ओनली IT इंडस्ट्री, यू आप देख सकते हो मैकडोनल्ड्स ऑल्सो यूज AWS. 21st सेंचुरी, लाइक इट इज अ बिगेस्ट फिल्म 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 स्टूडियो, राइट. एक्टिविजन, इट इज अ गेमिंग कंपनी, एंड नेटफ्लिक्स इज अ वीडियो प्रोवाइडर कंपनी, राइट. इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्री, आप जैसा ये फूड कंपनी हुआ, ये फिल्म मूवीज और फिल्म इंडस्ट्री का कंपनी हुआ, इट इज अ गेमिंग कंपनी, ये वीडियो प्रोवाइडर कंपनी है, तो डिफरेंट सेट ऑफ इंडस्ट्री में भी आज भी AWS अप्लीकेबल है, ओके. और इसका बेटर यूज केस के लिए हम क्या करते हैं, यूज कहाँ कर सकते हैं, एंटरप्राइजेस IT, जहाँ हम खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करते हुए, खुद का हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना ही भी किया, तो हम AWS से वो रेंट पे ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और हमको बैकअप स्टोरेज और जो भी बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए जो बड़े बड़े लाइक ट्रिलियन ऑफ जैसा ट्रिलियन ऑफ क्यूरीज आपको रन करना पड़ता है, राइट. रोज पे एट अ टाइम आपको क्यूरी रन करना पड़ता है, तो इसके लिए लार्ज स्केल ऑफ डेटा आपको लगता है, तो इसमें भी AWS वो भी उस सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल जैसा AWS वेबसाइट होस्टिंग के लिए भी AWS यूज करते हैं. जैसा जो भी वेबसाइट आप देखते हो, तो पहले हम क्या करते थे, बेसिकली हम एक वेबसाइट बनाता था डेवलपर, और टेस्टर उसको रन करता था, और उसको किसी वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म से हम उसको जैसा गोडैडी हुआ, राइट, आपने सुना होगा गोडैडी नाम, ओके. गोडैडी इज अ डोमेन नेम प्रोवाइडर एज वेल एज वेब होस्टिंग प्रोवाइडर एज वेल, राइट. होस्ट गियर, राइट, ऐसे वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म थे. अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप AWS के थ्रू भी, जैसे आगे सेशन में मैं आपको एक वेब सर्वर अपन और खुद आप भी रन करोगे, मैं भी आपको बताऊंगा, तो आगे हम कोर्स कंटेंट में देखेंगे, ओके. मोबाइल, सोशल मीडिया ऐप आप AWS से यूज कर सकते हो, जो भी गेमिंग है, इवन दो आपने COD नाम सुना होगा, राइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, राइट, इट इज ऑल्सो रन ऑन AWS. ये जो गेम है COD हुआ, PUBG हुआ, इट इज रन ऑन, दे आर यूज AWS इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर परफॉर्मिंग देयर ऐप एप्लीकेशन, राइट. ये कुछ AWS की सर्विसेस है. EC2 इंस्टेंस विच इज प्रोवाइड यू अ वर्चुअल मशीन लाइक लैम्बडा यूज फॉर सर्वरलेस, इलास्टिक बीन स्टैक यूज फॉर .NET एप्लीकेशन, ओके. ऑटो स्केलिंग, लाइक मैंने जैसा बोला था, आप सर्वर को स्केल इन एंड स्केल आउट कर सकते हो. IAM मीन्स आप यूजर को कितना एक्सेस देना है,
ओके, ऑथेंटिकेशन रूट यूजर, और आपको सिर्फ कितना किस यूजर को एक्सेस देना है वो हम IAM सर्विसेज से करते हैं. S3 बकेट इज अनलिमिटेड स्टोरेज सर्विस. ओके, RDS रिलेशनल डेटा सर्विस अमेज़न की तरफ से, और डायनामिक डायनामो DB इज बिग डेटा. ओके, SQS सिंपल क्यूरी सर्विस. ओके, SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस. AWS राउट 53 इट इज यूज फॉर डोमेन रजिस्टर सर्विस. लाइक आप जो GoDaddy पे करते हो ना WW में, मुझे मेरा खुद का नाम का एक www.om.com का अगर कुछ भी लेना है तो मैं क्या करूँगा, मैं GoDaddy पे जाऊँगा या जो भी डोमेन प्रोवाइडर है उसके पास जाऊँगा और वहाँ से डोमेन नेम परचेस करूँगा. बट AWS ऑल्सो प्रोवाइड देयर ओन डोमेन मैपिंग सर्विस विच इज क्या है, Amazon राउट 53 हम यूज करते हो कर सकते हैं. AWS क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड वॉच फॉर एनालिटिक, क्लाउड फॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारी प्लस 200 सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है. और अपकमिंग बैच में हम इसमें से बहुत सारी सर्विसेज हम यूज करेंगे खुद. ओके, आप उसको ऑन द हैंड्स ऑन आप उस पे करोगे. सो डोंट वरी अबाउट इट कि ये क्या है क्यों है, आपने सब बता दिया, इतनी सारी सर्विस है हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहा. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, एंड बेसिकली मैं आपको एक कंसोल का टूर दूंगा कि कैसा एक AWS कंसोल होता है. आप बोल तो रहे हो कि इतनी सारी सर्विसेस है, लेकिन ये परफॉर्म कहाँ करना है, कहीं किसी को कहीं इक्लिप्स डाउनलोड करना है क्या, कहीं वर्चुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है, या नोट पैड यूज करना है, या नोट पैड प्लस प्लस यूज करना है. आप सब उस क्यूरी में होंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे यूज करना है. ओके, मैं एक सिंपल टूर दूंगा. ओके, जिसमें IAM सर्विस आती है, राउट 52 DNS सर्विस, जैसा मैंने बोला, आप जहाँ आपका खुद का डोमेन मैपिंग कर सकते हो, क्लाउड फॉर्मेशन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के लिए यूज होता है, WAF लाइक EC2 इंस्टेंस मोस्टली यूज. ओके, इलास्टिक बीन एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, लैम्बडा फंक्शन एज अ सर्विस. ओके, रिकॉग्नाइजेशन इट इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इट इज यूज. ओके बेसिकली. ओके ओके मैं आपको मेरा स्क्रीन विजिबल यस सर है। ओके, यू कैन सी हियर, इट इज AWS कंसोल. यू कैन सी, ओके, दिस इज अ बेसिकली AWS कंसोल जहाँ पे हम सारे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं. आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका ये बनाना है, बनाना मतलब जो भी फ्री टियर अकाउंट है ये 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. हर सर्विसेज जो भी पेड सर्विसेज है मैं आपको बताऊंगा, इट इज अ पेड सर्विसेज. और मोस्टली हम पेड सर्विसेज नहीं यूज करेंगे, और जहाँ भी हम पेड सर्विसेज को यूज करेंगे मैं पहले आपको बताऊंगा इट इज अ पेड सर्विसेज, डोंट यूज इट, बिकॉज इसका बिल आता है और बिल इट्स इट इज इन डॉलर, वो डॉलर्स में आता है. ओके, तो जैसा मैंने आपको बोला था, बेसिकली आप देख सकते हो कितनी सारी सर्विसेज हैं डेवलपर्स के लिए. डेवलपर टूल जैसा AWS क्लाउड हुआ, क्लाउड बिल्ड हुआ, क्लाउड कमिट हुआ, क्लाउड पाइपलाइन हुआ, क्लाउड ये हुआ. और देन उसके बाद जैसा मैंने बोला कंप्यूट के लिए EC2 इंस्टेंस जो हम यूज करने वाले हो, इलास्टिक बीन्स हुआ, सर्वरलेस एप्लीकेशन रिपोजिटरी हुआ, लैम्बडा हुआ. ओके, देन डेटाबेस के लिए डायनामो DB हुआ, देन RDS हुआ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. ओके, कंटेनर के लिए EKS हुआ. ओके, EKS हुआ, ECKS हुआ. ओके, दोज आर यूज फॉर कंटेनर. ओके, डेटाबेस, कंप्यूट, बिजनेस, ब्लॉकचेन, हु जो भी ब्लॉकचेन पे काम करता है, जो अमेजोन मैनेज बाय ब्लॉकचेन. ओके, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के लिए ये सर्विसेज यूज होती है. देर आर नंबर एंड मोर देन 200 सर्विसेज. ओके, 200 से ज्यादा, जैसा स्टोरेज के लिए S3 बकेट हम यूज करेंगे. ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ सर्विसेज लाइक रोबोटिक, सैटेलाइट, देयर आर मोर देन 200 सर्विसेज. ओके, जब फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए हम AWS एम्पलीफाई यूज करते हैं, लाइक इट इज बेसिकली यूज फॉर डेवलपर, यूज बाय डेवलपर. ओके,
देर आर नंबर ऑफ सर्विसेस, जैसा मैं आपको बोला था ईसी टू इंस्टेंस, यहाँ पे ईसी टू इंस्टेंस होता है ओके और ये सर्विसेज हम बेसिकली परफॉर्म करेंगे. सो आपको कोई मतलब वरी मत करो, अभी कुछ टेंशन मत लो कि ये हमको अकाउंट हमको पता नहीं कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, क्या क्या चाहिए. अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको आपके साथ में वीडियो स्क्रीन शेयर करके एक अकाउंट बना के बताऊंगा, और आफ्टर दैट मैं आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा जिसके जिससे नहीं होता है उनके उनके लिए, कि ताकि वो डॉक्यूमेंट थ्रू स्क्रीन शॉट उसमें होंगे और आप इजीली उसको फ्री टायर अकाउंट आप 1 ईयर के लिए बना सको और जिसपे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको. बेसिकली ये मेरा अकाउंट है और देन इट इज अवेलेबिलिटी जोन, मतलब इंडिया के अवेलेबिलिटी जोन. जैसे अभी मुंबई में मैंने एशिया पैसिफिक में मुंबई सिलेक्ट किया है, ऐसे नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन होते हैं जो हम अपकमिंग सेशन में देखेंगे क्या होता है अवेलेबिलिटी जोन, क्या होता है रीजन. ओके सो डोंट वरी अबाउट इट. ईसी टू इंस्टेंस क्या होता है, बेसिकली बिलिंग कैसा होता है, अपकमिंग सेशन में हम देखेंगे. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है फॉर 1 ईयर, डोंट वरी अबाउट इट. ओके एंड that's it for today. Okay, we have a last day for the batch. Okay, free batch, like free session. So please, I insist everyone join the batch. मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा hands on provide करने की कोशिश करूँगा. जैसा मैंने first day से आपको बोला कि मैं आपको basic level से advanced level तक पढ़ाने वाला हूँ. इसमें मैं free ऑफ कॉस्ट बेसिक लिनक्स जो मोस्टली यूज होता है इंडस्ट्री में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक लिनक्स कवर करूंगा जितना AWS में रिक्वायर्ड होता है. हम थ्री लाइव प्रोजेक्ट हम इसमें करने वाले हैं, कि कैसे खुद का वेबसाइट, एक स्टैटिक वेबसाइट S3 बकेट में रन करना है, EC2 इंस्टेंस में कैसे हमारी खुद की वेबसाइट को हम या वर्डप्रेस वेबसाइट को रन कर सकते हैं, कैसे हम एक वेब सर्वर को रन कर सकते हैं. तो हम ऐसे खुद थ्री लाइव प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, जो कि आप आपके रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हो बाद में, जब आप एज अ फ्रेशर या एक्सपीरियंस आप जब जॉब फाइंड करते हो क्लाउड, एज अ क्लाउड इंजीनियर और क्लाउड आर्किटेक्ट. ओके बेसिकली मैं सबको 50% ऑफ जो भी एसोसिएट लेवल एग्जाम्स है, लाइक एसोसिएट डेवलपर, एसोसिएट सीसॉप्स, एसोसिएट आर्किटेक्चर, ओके उसका 50% का कूपन जो भी बैच ज्वाइन करता है उसको प्रोवाइड करूंगा. फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन में इस सेशन के एंड में प्रोवाइड करने वाला हूँ सबको, और कंप्लीशन सर्टिफिकेशन और एंड इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन लक्ष्य आईटी प्राइवेट सॉल्यूशन के तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा. और इवन दो मैं आपको कुछ सैंपल रेज्यूमे इन द एंड आपको शेयर करूंगा, जिससे आप आपका उस टेम्पलेट को यूज करके आपका खुद का रिज्यूम बिल्ड कर सकते हो, और जॉब ओपनिंग कीप लक्ष्य आईटी टीम आपको कीप अपडेट करते रहेंगी कि वॉट एवर जॉब, जो भी जॉब ओपनिंग आती है एज अ क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, डेवऑप्स इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, एसआरई इंजीनियर, आपको कीपली ग्रुप पे अपडेट होते रहेगा. और कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला कि मैं फुल्ली एज अ बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, तो कोई प्री रिक्विजिट नहीं है. बस आपको कंप्यूटर चलाते आना चाहिए और आपका आपको क्लाउड या डेवऑप्स इस फील्ड में आपको अगर करियर करना है या स्विच करना है तो आप एक कोर्स प्लीज ज्वाइन करिए. देन आप फ्रेशर हो, आप बीट यू आर बीएससी बीएससीए एनी डिग्री, कोई भी डिग्री के हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, फिर भी आप इस कोर्स को कर सकते हो. और आप एक्सपीरियंस हो, आप कहीं स्विच करना चाहते हो, या आपके जो करियर है उसी, आप इवन क्लाउड इंजीनियर हो और आप आपको अपग्रेड करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, तो इसमें मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा कि 3 ईयर जो एक क्लाउड इंजीनियर का नॉलेज होता है 45 डे बाद आप भी उतने उससे ज्यादा नॉलेज गेन करोगे. और मैं रियल इंडस्ट्री में जो रियल वर्क हो रहा है वही आपको पढ़ाऊंगा. और ये क्लास 45 डे एक एस्टिमेट टाइम है, 1 आवर रोज रहेगा. ओके और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप लक्ष्य आईटी टीम के टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं. और ये कंटेंट मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हो. जब बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कि जैसा मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन, सर आई हैव डाउट या शाचवज विद हेलो सर या
सर वो फी स्ट्रक्चर के बारे में बताए हैं आप। फी स्ट्रक्चर अमित सर यू कैन प्लीज गाइड अबाउट फी स्ट्रक्चर। हाँ आइए सर। हाँ सर आप ऑडियो बोलो। हाँ आ रही है सर। ओके एम आई ऑडिबल? हाँ मेरी आवाज आ रही है। हाँ सर आप ऑडियो बोलो। यस हाँ आ रही है सर। ओके 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 सर। स्ट्रक्चर एकदम नेग्लिजिबल रखा है अपन ने, 6000 फी है। ओके AWS जो भी कोर्स मैंने डिजाइन जैसा मैंने बोला है कि जैसे हमने फर्स्ट 2 डे में क्या पढ़ा, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट व्हाई क्लाउड, राइट, टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल जैसा मैंने बोला था IaaS SaaS PaaS, राइट, हमने सीखा टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज लाइक जो भी प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड जो हमने सीखा, फ्यूचर ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसा मैंने आपको बताया कि क्लाउड इज अ फ्यूचर। आप बी इट यूर डेवलपर, बी इट यूर टेस्टर, यू रिमार्क माई वर्ड, अंटिल एंड अनलेस नेक्स्ट 1 ईयर एवरीबडी हैव अ कंपलसरी, आप सबको कंपलसरी होने वाला है कि एक कंप्यूटर क्लाउड आपको आना ही चाहिए, बी इट AWS, बी इट Azure, बी इट CCP, मोस्टली कंपनीज AWS, लाइक 10,000 लोग कंपनीज है तो उसमें से 9,500 कंपनीज AWS यूज करती है, तो यू हैव अ बिगेस्ट एडवांटेज इफ यू, आपको पहले से अगर AWS आता है तो आपके करियर में, आपके कंपनी में, आपके जॉब में आपको एक एडवांटेज हैंड मिल सकता है। ओके उसके साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी क्लाउड के हम देखे, क्लाउड प्रोवाइडर देखे, जैसा बोला कि AWS हुआ, Azure हुआ, GCP हुआ, राइट, वो हमने आज मतलब कवर किया, व्हाट इज AWS पढ़ा। ओके और नेक्स्ट अपकमिंग केस में, अपकमिंग डेज में हम AWS का फ्री टायर अकाउंट बनाने वाले है, AWS के सर्टिफिकेशंस के बारे में जानने वाले है, और AWS का जो AWS मैनेजमेंट कंसोल है और उसकी लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो मैंने आपको बताई 200+ लिस्ट ऑफ सर्विसेज है वो हम कवर करेंगे। देन वी आर मूव टू इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट विच इज बेसिकली प्रोवाइड यू अ वर्चुअल मशीन, इट इज बेसिकली वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होता है, इट इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ यूर फिजिकल डेस्कटॉप। ओके आप खुद का जैसा एक लैपटॉप आप यूज कर सकते हो, वैसे AWS पे खुद आप एक खुद का लैपटॉप या वर्चुअल मशीन यूज करते हो। ओके इसमें कैसे हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, देन जैसा मैंने बोला AWS रीजन। हेलो हाँ हाँ बोलिए। जो इंटर्नशिप जो लास्ट में दी जाएगी तो क्या वर्चुअल होगी? खुद आप एक खुद का इट इज वर्चुअल एज वेल, और आप ऑफलाइन भी आके उसको कर सकते हो, राइट अमित सर? ओके इट्स बोथ बोथ केस, लाइक आप अगर ऑफलाइन आके करना चाहते हैं आपको पूरा पूरा यानी कि स्विच करना हुआ है। ओके जॉब करना चाह रहा हूँ तो उस टाइम पे मुझे कितना पे आउट करना पड़ेगा, यानी कि पे आउट कितना देगी मुझे कंपनी, कितना देगी एज अ मंथली, कितना होगा या ईयरली मेरा पैकेज क्या होगा? बेसिकली इज डिपेंड ऑन कंपनी, बेसिकली वो तो डिपेंड करता है कंपनी में, जैसा आप स्पेसिफिकली आपका एक्सपीरियंस पे वो डिपेंड करता है आपको कि जैसा आप फ्रेशर करते हो तो कंपनी प्रोवाइड यू 3.5 to 5.78 lakh, इट्स डिपेंड ऑन कंपनी, राइट, तो इसका कोई एक हार्ड एंड फिगर नहीं है, इट इज मोर देन 3.5 एंड वॉट एवर द कंपनी पे स्केल इट इज। ओके Got it? आपको अगर experience है तो it is depend on your experience and what your work you done in previous. Okay? तो इस पे वो depend होता है. Like अगर आप mostly 2 साल बाद switch करते हैं. जैसे हम internship करेंगे तो internship में मुझे को कितना pay करेंगे और
पहले मुझे एक्सपीरियंस होने के बाद अगर मैं स्विच करता हूँ तो मुझे कितना जाएगा, मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई फैमिलियर अगर बंदा आ रहा है अगर वो स्विच कर रहा है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, तो इंटेंसिव मुझे कितना प्रोवाइड होगा एंड देन फिर उसके बाद अगर मैं पूरा पूरा स्विच करता हूँ या मुझे आप कहीं पे ऑफर करते हैं तो नॉर्मल से नॉर्मल मेरा पैकेज कितना जाएगा ये पूछना चाहूंगा। एज अ फ्रेशर आप 3.3 लाख और 3.5 लाख के ऊपर ही आपका पैकेज होता है, एज आई टी इंडस्ट्री जितना भी ये है स्टैंडर्ड जो अभी है उससे ज्यादा ही होता है ओके। और इंटर्नशिप जब आप लक्ष्य में करते हो बेसिकली लक्ष्य की इंटर्नशिप कोई पेड इंटर्नशिप नहीं है, आप आपके नॉलेज में जो आपने क्लास में पढ़ा उसको रियल टाइम में प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हो यहाँ पे ओके। जो आपको रोज टास्क दिए जाएंगे वो टास्क आपको परफॉर्म करना है ओके, ताकि आप आपके रिज्यूम में वो इंटर्नशिप में क्या काम किया ऐड कर सको, और आपकी इंटर्नशिप करने के वजह से आपके इन द जॉब एज अ फ्रेशर आपके इंक्रीज हो जाएंगे चांसेस ओके। गॉट इट? ओके, देन हम AWS रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था वहाँ मुंबई रीजन था, मैंने जैसा इसमें बताया था राइट, इट इज अ मुंबई, इट इज अ रीजन, इट इज यूज मुंबई, और ये हम क्यों यूज करते हैं, दूसरा क्यों यूज नहीं करते वो हम देखेंगे। अवेलेबिलिटी जोन, एंड पॉइंट, ये हम कवर करेंगे। AMI कैसे, लिनक्स की AMI कैसे वर्क क्रिएट करना है, लिनक्स की EC2, विंडोज की EC2, मैक OS की EC2 कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे एक्सेस करना है यूजिंग लिनक्स में पुट्टी यूज करके कैसे यूज करना है, और विंडोज में रिमोट डेटा डेस्कटॉप कनेक्टर से उसको DPC से कैसे एक्सेस करना है ओके। ये हम सब देखेंगे। उसकी पब्लिक की पेयर कैसे क्रिएट करना है, की पेयर को पब्लिक और प्राइवेट कैसे रखना है, देन EC2, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसर क्या होता है बेसिकली? लोड बैलेंसर क्या करता है, जो आपके सर्वर है फॉर एग्जाम्पल, लोड बैलेंसर मैं आपको समझा देता हूँ एक मिनट में। लोड बैलेंसर क्या करता है कि आपके पास 10 सर्वर है राइट, 10 सर्वर है इनकेस, तो 10 सर्वर है और आप यूजर जैसे पहले 9 सर्वर पे 100 100 100 हर इस पे रिक्वेस्ट है, लेकिन जो 10 नंबर का सर्वर है उस पे सिर्फ 15 रिक्वेस्ट अभी तक आई है। जो नई रिक्वेस्ट आएंगी 100 हर सर्वर की एक लिमिट है कि वो यूजर को लेता है। लोड बैलेंस क्या करता है, इट इज अ बैलेंस आउट करता है कि जिस सर्वर पे लोड कम है वो यूजर का ट्रैफिक वहां ट्रांसफर करता है, जो भी क्लाइंट का रिक्वेस्ट है जो सर्वर पे लोड कम है वहां वो यूज होता है। बेसिकली हम अपकमिंग क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे ओके। लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट करते हैं, देन ऑटो स्केलिंग, जैसा मैंने बोला कि स्केल अप करना, स्केल डाउन करना, स्केल इन स्केल आउट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। देन नेटवर्क सिक्योरिटी में हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाना, इलास्टिक IP एड्रेस, जैसा किसी डिवाइस टू डिवाइस अगर की कनेक्शन, मतलब एज अ डिवाइस लाइक क्लाइंट और सर्वर को कम्युनिकेट करना है वो यूजिंग होस्ट नेम और IP एड्रेस के थ्रू होता है राइट, ये यूज होता है। की पेयर, प्लेसमेंट ग्रुप, हम ये सब पढ़ेंगे। लाइक VPC कैसे क्रिएट करना है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की, ताकि आपका जो प्राइवेट डेटा है या सिक्योर डेटा है वो बाहर यूज ना हो राइट। राउटिंग 5.3 लाइक DNS सर्वर, जैसा मैंने बोला कि कैसे आप डोमेन मैपिंग कर सकते हो राउटर 53 में, ये भी हम सीखेंगे। देन आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ये हम यूज करते हैं कि किस यूजर को, ग्रुप को क्या रोल होगा, कितना एक्सेस होगा, क्या उसके मैनेजमेंट ये रहेंगे, क्रेडेंशियल रिपोर्ट हम उसपे सब हम कवर करेंगे। देन S3 बकेट, इट इज अनलिमिटेड स्टोरेज सर्विस, इस पे हम खुद की एक स्टैटिक वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे एक मिनी प्रोजेक्ट जैसा। EC2 इंस्टेंस पे भी हम एक खुद की वेबसाइट हम EC2 इंस्टेंस पे भी रन करेंगे ओके। देन उसके बाद में डेटाबेस सर्विसेज में RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस हम यूज करेंगे, क्लाउड वॉच यूज फॉर मॉनिटरिंग कि कौन सी सर्विस आपने यूज की है, उसका मेमोरी और डिस्क का कितना ऑक्यूपाइड, मतलब कितना यूज हुआ है राइट, तो आप डिसीजन ले सकते हो, या उसको अलार्म कैसे सेट करते हैं कि आपका जो सर्विस या जो भी सर्वर है वो ओवरलोड तो नहीं हो रहा, आप
अलार्म कैसे सेट करना है, मॉनिटरिंग के लॉग और ग्राफ कैसे क्रिएट होते हैं यूजिंग क्लाउड वॉच, ये भी हम देखेंगे. देन क्लाउड फॉर्मेशन डिजाइन, हम टेम्पलेट डिजाइन करेंगे एज ए, मतलब जो जैसा कल एक आई थिंक द्रुति का आस्क अबाउट इट कि टेराफॉर्म लास्ट डे श्री आई द्रुति का आस्क अबाउट इट, इट इज लाइक अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्रोवाइड बाय AWS क्लाउड फॉर्मेशन. हम टेम्पलेट डिजाइन करेंगे जिससे हम क्रिएट स्टैक कर सकते हैं या जो भी क्रिएटिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है वो JSON फाइल से हम क्रिएट करेंगे. ओके द्रुतिका, आज द क्वेश्चन, व्हेन वन वेबसाइट और एप्लीकेशन इज डाउन सो AWS क्रिएट न्यू इंस्टेंस व्हाइल अदर आर टर्मिनेटेड. हम टेम्पलेट डिजाइन करेंगे जिससे हम क्रिएट स्टैक कर सकते हैं या जो भी क्रिएटिंग एग्जिस्टिंग. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बेसिकली क्या होता है, जैसा फॉर एग्जांपल ये आपका क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट कर रहा है, आपके पास 3 सर्वर है राइट, एक ये सर्वर है, एक ये सर्वर है और एक ये सर्वर है ओके. बेसिकली और ये लोड बैलेंसर है ओके, LB ठीक है. क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया ओके, ऐसे बहुत सारी रिक्वेस्ट आपको क्लाइंट की तरफ से आ रही है, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, आपकी तीनों सर्वर की रिक्वेस्ट है 1000 रिक्वेस्ट, हर सर्वर की कैपेसिटी है, इस पे 1000 हो गया है ओके, इस पे 900 है और इस पे शायद 300 ही रिक्वेस्ट अभी तक आई है, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा बेसिकली उस रिक्वेस्ट को यहाँ नहीं भेजेगा क्योंकि इसकी लिमिट पूरी हो गई है, यहाँ पे वो भेज सकता है लेकिन वो क्या करेगा क्योंकि इसमें 900 ओनली 100 रिक्वेस्ट रिमेनिंग है, तो वो क्या करेगा जहाँ लोड कम है, जिस सर्वर पे लोड कम है वहाँ उस रिक्वेस्ट को, जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को इस सर्वर पे नंबर 3 सर्वर पे सेंड करेगा. क्यों, तो इसका सर्वर पे अभी लोड कम है राइट, इट इज नॉट यूज एज मच एज यू कैन राइट, तो इस पे भेजेगा. बेसिकली दिस इज वर्क बाय लोड बैलेंसर, बेसिकली जो भी ट्रैफिक है उसको वो मूव करता है जहां जिस सर्वर का लोड कम है ओके. गॉट दैट आइडिया द्रुतिका नो, तो इसका सर्वर पे अभी लोड कम है राइट, इट इज नॉट यूज एज मच एज यू कैन राइट, तो इस पे भेजेगा बेसिकली ओके. थैंक यू. बाय लोड बैलेंसर एंड देन देन जैसा मैंने बोला कि सिंपल ईमेल सर्विस भी हम कैसे यूज करते हैं AWS में, वो भी हम सीखेंगे. जैसा मैंने बोला था SQ सिंपल क्यू सर्विस, ये भी हम यूज करेंगे. देन सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस कैसे पब्लिश करते हैं, सब्सक्रिप्शन और टॉपिक ईमेल और क्रिएट टॉपिक ये कैसे करते हैं सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में, ये भी देखेंगे. और एक रियल टाइम एप्लीकेशन बनाएंगे जो आप आपके रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हो एंड आप उसको शोकेस आपका एक पोर्टफोलियो आपका ऑनलाइन रन भी कर सकते हो ओके. दैट इन ये सब कोर्स में कवर होगा और उसी के साथ मैं रिज्यूम प्रिपरेशन, लाइक मैंने बोला कि मैं आपको सैंपल ऑफ रिज्यूम प्रोवाइड करूंगा टेम्पलेट ताकि आपको हेल्प मिले फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं नाउअडेज, और इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, किस क्वेश्चन को फोकस करना है और जो भी पढ़ाते पढ़ाते ही जिस क्वेश्चन पे ये करना है मैं वहां बोलूंगा कि दिस इज ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ओके. ताकि आपको ओके, गॉट द आईडिया. क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं नाउअडेज और इंटरव्यू को कैसे ओके, आपके साथ ये सिलेबस शेयर किया जाएगा ओके. सो आई होप यू लाइक द सेशन. ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ओके ओके. थैंक यू. या द्रुतिका, वी कैन प्रोवाइड अ PDF, डोंट वरी अबाउट इट, अबाउट व्हाट द सिलेबस आई विल टीच यू इन द ग्रुप, डोंट वरी अबाउट इट. एनी क्वेश्चन फॉर टुडे, यू लाइक द सेशन ओके. थैंक यू सौरभ. हेलो सर. सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन, MCA इज बेटर फॉर अ MSc कंप्यूटर साइंस. एनी क्वेश्चन फॉर टुडे, MCA और MSc कंप्यूटर साइंस. थैंक यू सर.
I am only doing bachelor, so I don't have a much idea. But you go for the computers, so go for it because IT is booming. Thanks, sir. सतीश बेसिकली डाउट सेशन होगा पर मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपका कोई डाउट ना रहे. अगर डाउट रहता है तो वी कैन टेक अ डाउट सेशन एज वेल. डोंट वरी अबाउट इट. एनी अदर क्वेश्चन? पर मैं आपको या आई थिंक डन फॉर टुडे. नो क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. इफ इन केस समवन मिस द सेशन वी विल गेट द रिकॉर्डिंग फॉर दिस. यू नीड टू कॉन्टेक्ट अबाउट इट लक्ष्य टीम. ही विल प्रोवाइड यू. आई थिंक डन फॉर टुडे. नो क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. Okay, recording will provided by Lux team. Don't worry about it. You need to contact about it. Lux team, he will provide you. Yes, आपको recording मिल जाएगी. कोई problem नहीं. Okay, कल से link change हो जाएंगी. So please, I insist, ये आप registration कर लीजिए. और जो भी लोग आप registration होता है तो मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर शेयर किया हुआ है. ठीक है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज भी डाल सकते हैं. कोई प्रॉब्लम? ओके, आई थिंक डन फॉर रजिस्ट्रेशन फी. राइट, ओके. कल से रजिस्ट्रेशन. यस, कल से जो है लिंक चेंज हो जाएगी. यस, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड जस्ट कॉल मी और मैसेज मी. वी विल टॉक. कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. वी विल टॉक. ओके ओके. आई थिंक डन फॉर रजिस्ट्रेशन फी. राइट, एक्चुअली हाँ देखो, ऐसा रजिस्ट्रेशन फी कोई अलग से नहीं है. 6,000 टोटल फी है. तो पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो 3,000 है. मतलब पहला इंस्टॉलमेंट जो आपको पे करना है एडमिशन के लिए वो 3,000 है. ओके, यस सौरभ, यू कैन पेमेंट इन टूस. ओके, ओके देन, गुड फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द सेशन. समझ गया, ये इंस्टॉलमेंट में है. मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट नहीं करना है. सौरभ, यू कैन पेमेंट इन टूस. ओके, यस, ओके देन, गुड फॉर टुडे. यस, आई होप यू लाइक द सेशन. और प्लस पॉइंट मैं आपको एक बता देता हूँ कि हम चाहते हैं कि बैच जो है ना वो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, देयर ओनली लिमिटेड सीट, प्लीज रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल. So you will be getting link for tomorrow session. और किस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं ये हमें जानना बहुत इजी हो जाएगा. ओके, साइनिंग ऑफ. थैंक यू गाइस. बैच नहीं बनाने अब ग्रेट. ठीक है, इसलिए ओके. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. बाय.